हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे फाइव के साथ में। कहने के लिए आज डे फाइव है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं इस पांच दिन की सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डे को। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं भाई, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट आपको दे रहे हैं, फटाफट से देख डालो। जो लोग कोर्स में देख रहे हो, यहीं पे सारी पीडीएफ वगैरह मिल रही है या फिर टेलीग्राम बी डी कैडेट बीएससी में मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्टिव कंटेंट भी लेके आ रहे हैं, यानी ओवरऑल मन लगा के पढ़ोगे तो मिलके माउस काट देंगे भाई, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स का डे फाइव, पहला क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ फ्यूजन। अब देखिए यहां पे दो वर्ड आएंगे, एक होगा फिशन और एक होगा फ्यूजन। ध्यान से सब लोग समझना, कहने के लिए ये ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो बहाना है, आपको बहुत कुछ सिखाना है। एक होता भाई फिशन, ठीक है, और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन देखो, फिशन मतलब होता है टूटना और फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना। हम लोग इसे फिजिक्स या केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं विखंडन और संलयन भैया, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब क्या हो गया भाई, टूटना हो गया, ठीक है, सॉरी संलयन मतलब जुड़ना हो गया। फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, संलयन, और संलयन का मतलब क्या हो गया, जुड़ना हो गया। तो ऐसी कौन सी जो फ्यूजन की फिनोमिनन है उस पर कौन सा डिवाइस जो है वो आधारित होता है भाई, तो ध्यान से समझो। दो चीजें हैं, एक होता है भाई सभी ने पढ़ा है एटम बम, यानी परमाणु बम होता है, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोजन बम। अब जो एटम बम है, परमाणु बम, वो विखंडन पे आधारित होता है, यानी फिजन पे आधारित होता है। उसमें रिएक्शन टूटती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हाइड्रोजन बम है ये भैया फ्यूजन पे आधारित है, संलयन पे आधारित होता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें चीजें जुड़ती जाएंगी, जैसे सूर्य है, सूर्य में क्या होता है, संलयन होता है, फ्यूजन होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन के, हीलियम के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, और उसके बाद हम लोगों को कितनी सारी हीट लगातार मिलती। कभी सुना सूर्य खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है यार। उसी तरीके से भैया अगर हाइड्रोजन बम पे तो भैया बैन लगा दिया गया था कि इसका परीक्षण नहीं करा जाएगा, क्योंकि अगर इसका परीक्षण करा जाएगा तो इसमें क्या होगा, संलयन होगा भैया, जुड़ते जाएंगे नाभिक, जुड़ते जाएंगे और इतने बढ़ जाएंगे कि भाई जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा किसी भी व्यक्ति का। तो फ्यूजन पे आधारित होता है कौन सा बम, हाइड्रोजन बम, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल रॉड्स आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स एंड देयर बाई प्रिवेंट द रिएक्शन फ्रॉम गोइंग टू फास्ट। जब कभी भी बहुत तेज तेज क्रिया हो रही होती है, देखो ये सारा प्रोसेस जो है न्यूक्लियर रिएक्टर पे आधारित है। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है हम आपको समझाते हैं भैया। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत मोटी मोटी भाषा में कहें तो बत्ती बनाने में काम आते हैं भाई, ठीक है, लाइट बनाने में इनका इस्तेमाल करा जाता है। ये कैसे काम करते हैं वो भी आपको बताते हैं भैया। होता क्या, बहुत मोटी मोटी कंक्रीट की दीवार बना दी जाती है, ठीक है, यूरेनियम वगैरह जो है इससे अंधाधुंध हीट जनरेट करी जाती, पानी गर्म करा जाता, पानी भाप बनता है, जाके टरबाइन पर टकराता है, टरबाइन घूमती है और बत्ती जनरेट होती है भाई, ठीक है। तो जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता, तो अगर हीट बहुत ज्यादा हो गई तो आपको कूलेंट की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भारी जल का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसी तरीके से कंट्रोल रॉड्स होती है, जब रिएक्शन बहुत तेज होती है, न्यूट्रॉन अंधाधुंध निकल रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए जरूरत पड़ेगी ना, तो किसका इस्तेमाल करते हैं, बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल रॉड्स के रूप में। न्यूक्लियर जो फिशन रिएक्शन है, फ्यूजन नहीं, फ्यूजन मतलब होता है जुड़ना, फिशन मतलब होता है टूटना। तो भैया ये किसने बताई है, तो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने, ठीक है, वॉन हॉर्न और स्ट्रासमैन इनका नाम है। तो हॉर्न और स्ट्रासमैन ने बताया है न्यूक्लियर फिशन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज एट लीस्ट सिग्निफिकेंस इन न्यूक्लियर फिजिक्स। अब देखो बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं, जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन है, न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, सबसे कमजोर कौन सा है, लीस्ट पूछ रहा भैया। तो जो ग्रेविटेशनल वाला इंटरेक्शन है सबसे कम है। ये देखो ग्रेविटेशन नीचे है तब भी हम कूद पा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एक टीचर वाले कूद कूद के पढ़ाओ, क्यों, क्योंकि नीचे भैया जो ग्रेविटेशन है वो बहुत कम है, कम का मतलब लीस्ट है यार, तो सबसे कमजोर कौन है, ग्रेविटेशनल है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल करा जाता है, मॉडरेटर क्या करेगा, मॉडरेट करेगा, मॉडरेट का मतलब क्या है, चलाएगा, कि रिएक्शन तेज है तो उसे धीमे कर रहे हैं, इसमें किसका इस्तेमाल करा जाता है, तो हैवी वाटर यानी भारी जल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं मॉडरेटर के रूप में भाई, ठीक है। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, D2O होता है भारी जल का फॉर्मूला भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन, काफी गर्मी इस समय होने लगी और आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि गर्मी बहुत बिकट है, और अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे जो है सारी चीजों में दिक्कत होगी। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, किसी नाभिकीय रिएक्टर वही जो बिजली बनाने में काम में आता है, द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन बाई पासिंग देम थ्रू, यानी जो बहुत तेज तेज चलने वाले इलेक्ट्रॉन है उन्हें किसके द्वारा स्लो करा जाता है भैया, स्लो, ए बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, उसी तरीके से भैया तुम्हारी रिएक्शन स्लो कैसे होगी, तो हैवी वाटर D2O का इस्तेमाल करा जाता है इसमें भी भाई, ठीक है, नियंत्रक के रूप में भी D2O का इस्तेमाल कर लेते हैं,
प्रबंधक के रूप में, ठीक है, कंट्रोलर के रूप में, इस सब चीज़ों में हैवी वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। विकल्प में कुछ समझ में ना आए तो हैवी वाटर टिक लगा देना न्यूक्लियर रिएक्टर की फॉर्म में। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर देखो, मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल कौन होता है? D2O भारी जल। और इसका इस्तेमाल क्यों करा जाता है? न्यूट्रॉन्स की रिएक्शन को कम करने के लिए भाई, ठीक है। ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, देखो न्यूक्लियर फिशन जब रिएक्शन होती है, हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू फ्रैगमेंट्स बाय इटसेल्फ। सभी को पता है जब एक विखंडन का मतलब ही क्या होता है, जब एक बड़ा और भारी नाभिक, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा 12th क्लास में, यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता था बेरियम और क्रिप्टन में और 3 न्यूट्रॉन साथ में निकला करते थे, तो वही तो विखंडन रिएक्शन है भाई। तो होता क्या है, ड्यूरिंग अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जब कभी भी नाभिकीय विखंडन होता है तो बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। थर्मल न्यूट्रॉन्स कैन कॉज फिशन इन, जो न्यूट्रॉन्स बनते हैं उसमें थर्मल, अभी हमने आपको बताया किस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करेंगे। ले रिएक्शन ही दिखा दे रहे भैया, 92 यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की बमबारी करवाएंगे, क्या बनेगा? 56 बेरियम प्लस 36 क्रिप्टन साथ में 3 0 N1, 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे भाई, सीधी सी बात है। तो इस तरीके से सारी चीजें होती हैं भाई, ठीक है। इन एटॉमिक रिएक्टर्स कैडमियम रॉड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल चेन रिएक्शन, दिस इज बिकॉज कैडमियम। अब देखो भैया, कैडमियम का इस्तेमाल परमाणु रिएक्टरों में क्यों करा जाता है, कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि जो कैडमियम की छड़ें होती हैं एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन्स, कुछ न्यूट्रॉन्स को वह एब्जॉर्ब कर लेंगी। कहते नहीं यार भाई, यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं या केले बहुत ज्यादा रखे हुए, क्या करो 4 केले खा गए। बोले तो तुम कौन हो? बोले हम है भैया कौन, मॉडरेटर है, हम है कंट्रोलर। कैसे कंट्रोल करोगे? खाना बढ़ेगा, हम खा के कम कर देंगे, वो वाला मामला भाई, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब कर जाती है कुछ न्यूट्रॉन्स को। इफ एम इज एटॉमिक मास, ए इज मास नंबर, देन एम माइनस ए अपॉन एम, जिसने पिछली वीडियोस देखी होगी उसे पता होगा भैया एम माइनस का ए अपॉन एम देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आई होगी, इसे कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन भाई, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? मोटा मोटा हमने आपको बता रखा था कितना एरिया घिरा हुआ है, कितना कवर्ड है, इसे पैकिंग फ्रैक्शन कह देते हैं। इन द कार्बन साइकिल, देखो भैया दो साइकिल होते हैं, एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है, एक कार्बन साइकिल होता है। सूर्य में ये पाए जाते हैं, सूर्य में क्या होता है, रिएक्शन होती है, प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, बनच वन आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, हीट निकल रही बहुत ज्यादा, वही गर्मी हम लोगों तक पहुंच पा रही है। तो इसमें कार्बन कार्बन चक्र में 6C12 का इस्तेमाल करा जाता है और एज ए कैटलिस्ट आप कह दो इसे आखिरी में जैसा कार्बन होता है वैसा ही बच जाता है। तो यहां पे पूछा है कि इन द कार्बन साइकिल द 6C12 आइसोटोप का क्या होता है, तो एज रीजनरेटेड यानी दोबारा से बन जाता है एट द एंड ऑफ द साइकिल। साइकिल जब पूरा खत्म हो जाता है, हीट जनरेट हो जाती है, तो जो 6C12 जो है दोबारा से बन जाता है, वैसा भी कोई कैटलिस्ट जो होता है उसका इस्तेमाल इसी तरीके से करा जाता है कि जैसा शुरू में है। जैसे नहीं जीजा मौसा टाइप, उन्हें मतलब नहीं है कुछ भी, वो सिर्फ कैटलिस्ट हैं, बारात कराएंगे अपने आप जैसे शुरू में थे वैसे आखिरी में निकल लेंगे भाई, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन, अब देखो यहाँ पे क्या करा, फ्यूजन मतलब होता है संलयन यानी जुड़ना, जैसे सूर्य में संलयन होता है हल्के नाभिक का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, तो ऑनली इन लाइटर पार्टिकल, ऑनली इन लाइटर न्यूक्लियाई जो हल्के नाभिक होते हैं केवल उन्हीं में फ्यूजन होता है भाई, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन कैन बी एक्सप्लेन, यानी जो न्यूक्लियर फिजन है, जो टूटना है, विखंडन है, उसे एक्सप्लेन करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? लिक्विड ड्रॉप मॉडल के आधार पर हम लोग उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, ठीक है। लेप्टॉन्स क्या होते हैं? तो लेप्टॉन्स आर इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, कैसे हैं? बहुत सारे हैं, बोसॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, ठीक है, मेसॉन्स हैं, ऐसे ही लेप्टॉन्स हैं। ये कैसे होते हैं? वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही दुर्बलता के साथ में जुड़ते हैं। और ये कैसे होते हैं? ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, सरल भाषा में कहते हैं बेसिक पार्टिकल्स होते हैं भाई, ठीक है। जो जीएम काउंटर है उसका इस्तेमाल काहे के लिए करा जाता है? तो ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, जितने भी न्यूक्लियर रेडिएशन हैं उन सबको काउंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जीएम काउंटर का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। अ स्टेबल न्यूक्लियस हैज इन जनरल इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, भैया ये कॉन्सेप्ट है मैजिक नंबर का। मैजिक नंबर क्या होते हैं हम आपको बताया जा रहा है, मैजिक नंबर होते हैं 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, ये सब कैसे नंबर है? सम है, इवन नंबर है भाई, ठीक है। तो जब भी कभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इवन नंबर होते हैं यानी सम नंबर होते हैं, तब क्या होता है भाई, जब कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन सम नंबर होते हैं, इवन नंबर होते हैं, तो क्या होता है बताओ? तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। देखो स्टेबल न्यूक्लियस होता है अगर सारी चीजें सम है भाई, ठीक है। द इजेक्शन ऑफ अ बीटा पार्टिकल, यानी बीटा पार्टिकल जब निकलता है फ्रॉम अ न्यूक्लियस, किसी न्यूक्लियस से, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होगा? बढ़ जाएगा। कल वाली वीडियो में बताया था जब अल्फा निकलता है तो नीचे 2 की कमी, ऊपर 4 की कमी होती है, बीटा निकलता है तो 1 की वृद्धि हो जाती है नीचे एटॉमिक नंबर में, यानी 1 प्रोटॉन
बढ़ जाता है भाई, ठीक है, यानी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम इज डबली मैजिक नंबर, कैल्शियम डबली मैजिक नंबर है भैया, कैसे? तो लो, कैल्शियम का नंबर कितना होता है 20, ठीक है, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 40, परमाणु भार 40 होता है। इसमें प्रोटॉन कितने होंगे बताओ, प्रोटॉन भैया इसमें 20 होंगे, और इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 40 में 20 जाएंगे तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 20 होंगे, दोनों मैजिक नंबर हैं। अभी हमने क्या बताया 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126, तो ये क्या है, डबली मैजिक नंबर, इसमें प्रोटॉन भी 20 है और न्यूट्रॉन भी 20 है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन, न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, बता चुके कल वाली वीडियो में, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, यानी ऑल फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस आर रेंज एंड इंडिपेंडेंट, यानी शॉर्ट रेंज होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी इन पर चार्ज आज का कोई मतलब नहीं है सर जी, ठीक है, कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव उससे कोई मतलब नहीं, चार्ज इंडिपेंडेंट है, रेंज इनकी शॉर्ट है, तो इस तरीके से न्यूक्लियर फोर्सेस काम करते हैं भाई, ठीक है। तो ये है अपना कौन सा भाई, आज है डे 5, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहे हैं, और मेरे पास एक किताब यहाँ पे पड़ी हुई है, उस किताब से भी हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करा रहे हैं, पुराने पेपर लेके आएंगे, मतलब एक प्रॉपर सीरीज है कि अगर कोई बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा इस सीरीज को वो देख के जाता है तो अच्छे खासे टिक वो लगा के आ पाएगा। पहली बार देख रहे हो अगर चैनल पर, तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना भाई। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर जी इस सीरीज पर इतने व्यूज़ नहीं आ रहे, भाई व्यूज़ से मतलब नहीं है, 200 लोग भी देख रहे हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पेपर आएंगे यही सीरीज धुआं बन जाएगी, आप देख लेना, तो टेंशन कुछ नहीं है, हम अपना काम करते रहे। कहते नहीं है धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और बाकी सारी चीजें पीडीएफ कुछ भी ढूंढना नहीं चाहते हो तो कुछ चार्जेस हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, चाहो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो भैया बहुत बहुत थैंक यू, ऐसे सपोर्ट बनाए रखो तभी ये सारी चीजें हो पा रही है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।